आधी रात को जिस वक्त आप सो रहे थे उस वक्त अमेरिका ने वो देखा जो पिछले कई सालों में नहीं देखा। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अमेरिका की संसद कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए और कांग्रेस की कार्यवाही को रोक दिया। इस दौरान गोलीबारी भी हुई जिसमें एक महिला की मौत हो गई। ट्रंप के समर्थन में उनके समर्थक संसद की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए उस वक्त सदन के अंदर पहुंच गए जब अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी। यहां जो बाइडेन की चुनावी जीत की पुष्टि की जानी थी। सदन में चल रही बहस के दौरान अचानक डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कैपिटल बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए। इससे बहस को बीच में ही रोकना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद कैपिटल बिल्डिंग को सुरक्षित कर लिया गया। हालांकि वॉशिंगटन में जगह जगह ट्रंप समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति चुनाव में धांधलीबाजी का आरोप लगा रहे हैं। मेरे सहयोगी ललित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ललित, ये जो अमेरिका में वॉशिंगटन में कैपिटोल के बाहर देखने को मिला, ये बहुत ही इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप समर्थक वहां पहुंचेंगे। हेलो जी ललित, ये जो वॉशिंगटन में कैपिटोल के बाहर देखने को मिला, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। जी, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है। कोई जो अमेरिका की समाज है सब ने इसका निंदा किया है। फॉर्मर प्रेसिडेंट और काफ़ी लोगों ने इसकी निंदा की है। एक शर्मनाक इवेंट कह सकते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी की। जी ललित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये समर्थक वहाँ क्यों पहुँचे, किस लिए पहुँचे, क्या इनकी मांगे थी और फिलहाल इन पर क्या कार्रवाई की गई? जो ओरिजिनल प्लान था इसमें पहले तो कोई प्लान नहीं था वहाँ तक कैपिटल हिल तक जाने का। जैसे कि मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, सुबह में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने समर्थकों को एड्रेस किया व्हाइट हाउस के बाहर। हजारों की संख्या में, करीब 50 से 60 हजार लोग अमेरिका के अलग अलग जगहों से आए थे उनके समर्थन में। उनका मानना है कि जो इलेक्शन हुआ है नवंबर 3 को, वो उसमें काफी धांधली हुई है, ट्रंप जीते हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन की हार हुई है। हालांकि जो यहाँ के इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, मीडिया है, उनका कहना है कि उनको इस तरह की बड़ी धांधली की कोई भी प्रूफ नहीं मिली है और उनके पास कोई सबूत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए, उन्होंने कहा कि हम मार्च करके यहाँ से कैपिटल हिल तक जाएंगे और कुछ मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो जब जैसे उनका स्पीच खत्म हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप का स्पीच जैसे खत्म हुआ, वहाँ से लोग उनके लिए समर्थक से मार्च करते हुए कैपिटल हिल तक गए। करीब 1.5 माइल की दूरी है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी 1 या 2 ब्लॉक चले होंगे, उसके बाद वो व्हाइट हाउस आ गए। जब वहाँ पे उनके हजारों की संख्या में समर्थक कैपिटल हिल पे पहुंचे तो जो भीड़ थी बेकाबू हो गई। वो अपने आप किसी के काबू में नहीं आया और अचानक से कैपिटल हिल के अंदर जो कांग्रेस है वहाँ उसके अंदर चली गई। कोई दीवार को छलांग लगा के, खिड़कियों को तोड़ के अलग अलग तरीकों से चले गए। पुलिस बहुत कम, जो सिक्योरिटी व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से भाप नहीं पाई और काबू नहीं कर पाए। और सैकड़ों की संख्या में जो उनके समर्थक हैं कांग्रेस में, सेनेट में और हाउस के अंदर चले गए। नैन्सी पेलोसी के जो चैम्बर हैं वहाँ पे भी गए। कई बार उनको टीयर गैस भी यूज करना पड़ा। एक बार शूटआउट भी हुआ जिससे कि एक महिला की मृत्यु होने की मतलब ललित आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप के समर्थक कैपिटोल के अंदर गए उन्हें वहां पर उकसाया गया, पहले स्पीच दी गई ट्रंप द्वारा उसमें। बहरहाल बहुत शुक्रिया ललित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें अभूतपूर्व हैं। हजारों लोग अमेरिकी संसद भवन की सुरक्षा को धता बताते हुए कैपिटल बिल्डिंग में चढ़ गए, झंडे लहराने लगे, नारेबाजी करने लगे। भीड़ को देखकर संसद की सुरक्षा में लगी पुलिस के होश उड़ गए। किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका की सुरक्षित इमारतों में से एक कैपिटल बिल्डिंग में इस तरह से हजारों लोग घुस जाएंगे, लेकिन ये सब हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। नारेबाजी कर रहे ये लोग डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं और इनका आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की गई है। यह हंगामा तब हुआ
जब अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी, यहां जो बाइडेन की चुनावी जीत की पुष्टि की जानी थी। सदन में चल रही बहस के दौरान अचानक डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए। इससे बहस को बीच में ही रोकना पड़ा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया, जिसके बाद समर्थक भड़क गए। उन्होंने संसद भवन की बैरिकेडिंग तोड़ दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान फायरिंग हुई है और पुलिस को एक संदिग्ध पैकेट भी मिला है। हालात बिगड़ते देख निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तीखे शब्दों में इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया और हालात को काबू में करने के लिए कहा। मैं इस भीड़ से अपील करता हूं कि वो वापस चले जाएं और लोकतंत्र का सम्मान करें। मैंने पहले भी कहा है, राष्ट्रपति की बात मायने रखती है। ये बात मायने नहीं रखती कि वो कितना अच्छा या खराब राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की बात प्रेरणा दे सकती है और भड़का भी सकती है। इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप से अपील करता हूं कि वो नेशनल टेलीविजन पर आकर अपनी शपथ को निभाएं, संविधान की रक्षा करें और इस हंगामे को खत्म करवाएं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर फिर से चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। उनके समर्थक भी उत्तेजित होकर संसद भवन के बाहर पहुंच गए, लेकिन जो बाइडेन के बयान और कैपिटल बिल्डिंग के बाहर बिगड़ते हालात को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी कर समर्थकों से वापस लौटने की अपील की। मैं आपका दर्द समझता हूं और मुझे पता है आप दुखी हैं। चुनावों में हमारी जीत को हमसे छीना गया है। ये एक तरफा चुनाव था, लेकिन अब आप अपने घर जाइए। हमें शांति बरकरार रखनी चाहिए। हमें अपने महान देश की कानून व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। ये बहुत कठिन समय है। ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया कि हमसे जीत ले ली गई हो। मुझे आपसे हमसे ये फर्जी चुनाव था, लेकिन हम उनकी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए घर जाइए, आप बहुत स्पेशल हैं, इसलिए शांति के साथ अपने घर जाइए। जिस जगह पर यह हंगामा हुआ, उसी जगह पर नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यहीं पर सत्ता का हस्तांतरण होगा। लेकिन जिस तरह से यह हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है, उससे लगता नहीं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में वो परंपराएं कायम रह पाएंगी जो उसे विरासत में मिली हैं। फिलहाल कैपिटल की सुरक्षा नेशनल गार्ड्स के हवाले की जा रही है, जिससे कि सदन की कार्यवाही ठीक से चलाई जा सके। और भविष्यवाणी में आचार्य इंदुप्रकाश फिजानी के